आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखी गई। इस दौरान पर्यटक कोविड 19 नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ दिखाई दिए। पर्यटक टिकट पाने के लिए नियमों का पालन ना करते हुए सामूहिक भीड़ लगाकर बिना मास्क के दिखाई दिए। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर कोविड 19 नियमों की धज्जियां उड़ते हुए साफ दिखाई दी। मानो नजारा ये था कि कोरोना वायरस समाप्त हो चुका हो, लेकिन ये नजारा सातवें अजूबे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर सवालिया निशान खड़े करता है। असल में हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ऑनलाइन टिकट का सिस्टम हो गया है, और हो भी गया तो सोल्ड आउट कैसे हो गई इतनी जल्दी, इसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एक्चुअली। क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर या तो ये कहीं मैसेज हमको हो कन्वे कि ये इसी समय तक सोल्ड आउट हो जाती है, पर जैसे गाइड भैया लोग बता रहे हैं कि आज हो गई, आज सैटरडे है, शायद इसलिए आज सैटरडे है तो रश भी ज्यादा है। दरअसल अनलॉक के दौरान सातवें अजूबे के खुलने पर पर्यटकों की भीड़ ताज का दीदार करने के लिए पहुंच रही है, लेकिन इस दौरान ताज का दीदार करने की अनुमति प्रतिदिन 5000 सैलानियों को दी गई है। वीकेंड के दौरान टिकट हाफ डे में ही समाप्त होने पर पर्यटक खासी परेशान होकर लौट रहे हैं, लेकिन ताज के टिकट घर पर अव्यवस्थाओं को देखकर पर्यटक भी काफी परेशान नजर आए। कोरोना के बेसिस पर भी बहुत देखने में लग रहा है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं है, वो भी मैं थोड़ा देख के घबरा रही हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा तो डिस्टेंस रखना चाहिए, पर ठीक है, बिल्कुल जारी है, डिस्टेंस रखना चाहिए बिल्कुल। ये टिकटें जो इतनी जल्दी सोल्ड आउट हुई है ना, दिन भर में होना चाहिए ताकि आप ग्रुप कम कम लोगों के अंदर जाए बस। जयपुर से ताज का दीदार करने आई महिला पर्यटक ने कहा कि वीकेंड पर सभी टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। वहीं ताज प्रशासन को टिकट की व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, साथ ही कोरोना वायरस को देखते हुए कोविड 19 नियमों का पालन भी कराया जाए। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।